प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया का जो मैप होता है साथियों, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, ठीक है। एक मैप आपको दिया जाएगा परीक्षा में और उसमें 4-5 जगहों का नाम रहेगा, 4 जगहों का नाम रहेगा, वो आपको मैप में क्या करना पड़ता है, दर्शाना रहता है। तो ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपसे पूछता है साथियों क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक जगह का नाम दे दिया, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है, और एक दे दिया नरोरा, और एक दे दिया रावत भाटा, और एक दे दिया सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इनको दर्शाइए। तो साथियों मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर कुछ भी आपसे पूछे तो किस प्रकार से आपको दर्शाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको अपडेट मिल सके। और जो दोस्त चैनल पर आपका चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैप से संबंधित कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए साथियों हम बात करें, जैसे कि अगर आपसे पूछा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो दोस्तों ये होता है आपका दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से निशान लगा कर भी आप लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और अगर आपसे बात करें कि खेतड़ी को दर्शाइए, तो यह है राजस्थान में होता है आपका खेतड़ी, खेतड़ी आप यहाँ पर दर्शाओगे, ठीक है। ऐसा बिंदु बनाकर आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं रावत भाटा कहाँ पर है, तो रावत भाटा को ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर आप किसको दर्शा सकते हैं, रावत भाटा को दर्शा सकते हैं। और अगर आपसे पूछे राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है साथियों, तो ये भी राजस्थान में है, यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात की बात करें तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है, गुजरात में है, यहाँ पर आप ऐसे करके दर्शा सकते हो। और बात करें कांडला बंदरगाह की, तो कांडला भी गुजरात में है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में बात करें तो बालाघाट और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में होते हैं। और अगला देखें हम, यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो आपका ये रहेगा लगभग 22 के आसपास रहेगा, 22-21 में पूछा जाता है। और छोटा नागपुर का पठार, तो ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, यहाँ पर आप दर्शाओगे, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे। और उसके साइड में आपको हीराकुंड बांध, यहाँ पर आपको दर्शाना है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आपको यहाँ पर दर्शाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको साइड में आप निशान लगाकर लिख सकते हैं। और इधर बात करें हम तो ये कोलकाता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इस प्रकार से ये यहाँ पर दर्शाना रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैप का एक वीडियो बनाना है, तो इस कारण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और भी आपको यदि इनमें कुछ और दर्शाना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो हम आपको बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर चेन्नई, ठीक है, और ये मीनाक्कम कल्पक्कम, ठीक है, और ये पेरियार आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यहीं पर पेरियार झील है और यहीं पर झील के किनारे आपका क्या है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये कल्पक्कम, मीनाक्कम और चेन्नई, ठीक है, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। अगर आपको इस मैप में और कुछ दर्शाना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो उसी का ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये मैप समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, फिर से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बनाया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हमेशा इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।